सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सप्त विशंति गुगलू के बारे में। ये जो गुगलू आता है ये बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किन किन औषधियों के मिश्रण से इसको बनाया जाएगा और कैसे इसको बनाया गया है, क्या क्या आप इसके अनुपान के साथ ले सकते हैं, कैसे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बैद्यनाथ कंपनी की तरफ से आता है सप्त विशंति गुगुल, ये 80 गोली की पैकिंग में आता है। इससे छोटा भी आता है 40 टैबलेट की पैकिंग में, लेकिन आपको जितने भी गूगल हैं वो जितनी बड़ी पैकिंग में आप लेंगे उससे आपको उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि इसको लंबे समय तक आपको प्रयोग करना होता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 205 रुपये इसका रेट है, और इसका ये जो रेट है ये आज के हिसाब से है। हो सकता है आने वाले समय में इसका रेट चेंज हो जाए, कम या ज़्यादा हो सकता है, ये MRP के ऊपर आप जो है निर्भर करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसमें कौन कौन से औषधि इसमें मिलाई गई है, कैसे इसको बनाया गया है। इसमें सप्त विशंति गुगलू में इसमें प्रयोग होने वाली जो औषधियाँ हैं वो त्रिकुट है, त्रिफला है, नागरमोथा, बायोविडिंग, गिलोय, चित्रकमूल, कचूर, बड़ी इलायची, पीपलामूल, हाउबेर, देवदारू, तुम्बरू, नेपाली धनिया भी जिसको बोलते हैं, या तेजबल फल के नाम से भी जिसको जानते हैं, और पोकरमूल, चव्वे, इंद्रायण की जड़, हल्दी, दारू हल्दी, विडंग नमक, काला नमक, यवक्षार, सज्जीखार, सेंधा नमक और गज पीपली, इन सभी औषधियों को जो है बारीक पाउडर कर लिया जाता है और उनको कपड़े से छान लिया जाता है। कपड़े से छानने के बाद जो इसकी मात्रा होनी चाहिए, इन सभी औषधियों को जो है एक एक तोला आपको लेना होता है। इनको सभी को 10-10 ग्राम लेने के बाद इसमें शुद्ध गूगल 54 तोला इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले गूगल को थोड़ा घी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिलाते हुए कूटते हैं, और कूटते हुए इन सभी को जो है एक ऐसी फॉर्म देते हैं जैसे इसका गोली बनाने के लिए परफेक्ट हो। इसके जितनी अच्छी आप कुटाई कर सकते हैं उतना ही अच्छा आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं। कुटाई इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, इसको अगर जितनी अच्छी तरीके से आप करते हैं उतना ही अच्छा गूगल तैयार होता है। जब ये पूरी तरीके से ऐसे तरीके से तैयार हो जाता है कि इसकी गोलियां बना दी जाती है या बनाई जा सकती है, तब इसको जो है 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर रख लिया जाता है और उसको छाया में सुखा लिया जाता है। ये आपका सप्त विशंति गूगल तैयार हो चुका है। अगर हम इसके रोग के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे रोगों में काम करता है, और इसकी मात्रा की बात करें तो इसको आप 2-4 गोली सुबह शाम दिन में 2 बार मधु के साथ ले सकते हैं, और ऊपर से जो है महामंजिष्ठादिक्वात पिला सकते हैं। इसके और भी अनुपान के हिसाब से इसमें अन्य औषधियाँ ऐड की जाती हैं, उनके साथ भी आप इसको ले सकते हैं। अगर इसके गुणों की बात करें तो ये विशेष रूप से जो कार्य करता है वो बगंदर, बावशीर, नाशूर जैसे रोगों के लिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अर्श, बगंदर एवं गुदा मार्ग के जितने भी रोग हैं उन सभी में ये काम करता है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे रोगों में काम करता है, जैसे कुशी वस्ती हो गया, पेड़ों में इस तरीके के रोग होते हैं, पसली के दर्द में इसका प्रयोग कर सकते हैं, हृदय के रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दुष्ट वरण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये गुदा मार्ग के जो रोग होते हैं या मूत्र नली के जो विकार होते हैं उन सभी में ये काम करता है। इसके साथ साथ ये
जो आंत वृद्धि होती है उसको भी ये दूर करता है। कुछ लोगों में होता है कि अंतर्वृद्धि ज़्यादा देखी जाती है और उसके कारण उनको काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो अंतर्वृद्धि होना और उसके कारण जितने रोग होते हैं उन सभी में ये काम करता है। शलीपद रोग में ये काम करता है, सूजन को गुलाता है, कृमि को पेट से बाहर निकालता है, जो अगर पेट में कृमि है तो। कुष्ठ रोगों में भी ये काम करता है और चर्म रोगों में भी ये काम करता है। ये काफ़ी अच्छी औषधि है, सप्त विशंति गूगल। इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, 205 रुपये है, और ये और गूगल से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये ज़्यादा महंगा इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इसमें 80 टैबलेट आती हैं। अगर आप इसका हिसाब लगाएंगे तो 80 टैबलेट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती अगर आप इन रोगों से छुटकारा पाते हैं तो। तो ये इसके गुणों के बारे में इसकी जानकारी थी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसी और जानकारी वाली वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल के निशान को भी दबा दीजिए। आप हमारे सपोर्ट के लिए इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।